प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ हम लोग भगवान को कैसे पा सकते हैं? माँ उनके लिए रोने पर उन्हें पाया जाता है। प्रश्न करता, मुझे तो रोना आता नहीं। माँ जो लोग रोते हैं उनकी संगत करो। प्रश्न करता, अच्छा भगवान को पाने के लिए कितनी अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए और कितना उन पर निर्भर रहा जाए? माँ उनके ऊपर निर्भर रहना जो है इसे भी वे ही कराएंगे, तभी तुम रह सकते हो। पुरुषार्थ क्या है? वे जो कुछ कराते हैं वही पुरुषार्थ है। प्रश्न करता, माँ इन सब अनित्य वस्तुओं में हम लोगों का आकर्षण क्यों है? नित्य वस्तु में क्यों नहीं होता? माँ यह सब तो उनकी लीला है, वे अपने को लेकर खेल रहे हैं। चंडी में उल्लेख हुआ है, भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूप में वे ही, विषय में आसक्ति होने पर रिटर्न टिकट अर्थात आवागमन, और उनकी ओर आसक्त होने पर आनंद और मुक्ति। उनका नाम मत छोड़ो, चुपके चुपके लेते रहो। किसी को दिखाना या सुनाना नहीं चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जैसे श्वास चलती है उसी प्रकार नाम को भी चलाने की चेष्टा करते रहो। हरी कथा ही कथा है और सब वृथा और व्यथा। जहां राम वहीं आराम, जहां नहीं राम वहां बे आराम बे राम। प्रश्न करता, मां सारी फसलें चौपट हो रही हैं, जाने अब क्या होगा? मां देखो जिन्होंने जगत की सृष्टि की है, पालन कर रहे हैं, उन्हीं पर सब छोड़ दो। तुम लोग भी एक संसार के माता पिता हो, तुम लोग अपनी संतान के लिए क्या करोगे? क्या यह बात तुम्हारी संतान बताएगी? ऐसे ही जो जगत के माता पिता हैं वे अपनी संतान के लिए क्या करेंगे यह वही जाने। उनके ऊपर सारा भार डालने की कोशिश करो, उनकी जो इच्छा होगी वही वे करेंगे। प्रश्न करता, मां मैं रोज भगवान के मंदिर आता हूं, प्रणाम करता हूं, क्या इससे कुछ नहीं होता? इसका कुछ फल है या नहीं? मां मैं आता हूं है ना, इसलिए कुछ नहीं होता। तुम्हारा अहम है इसलिए प्रकाश नहीं होता। प्रश्न करता, मां अपने अहम को क्या घर पर रखकर आना पड़ेगा? मां ठीक ठीक अहम को अपने घर पर रख कर आना पड़ेगा। अपना घर क्या है? उनके पास रहना। जब पता चलता है कि मेरा अहम भी उनका है अर्थात भगवान का ही है, तब उनके पास अर्थात अपने ही घर पर अहम को रखा गया। जिस मुहूर्त में वह होता है उसी मुहूर्त में उनका प्रकाश। मैं करता हूं, मैं जाता हूं, इस प्रकार जब तक अपने को कर्ता बनाकर रखा जाता है तब तक उनका प्रकाश नहीं होता है। इसके अलावा तुम भगवान के पास गए यह ज्ञान है कहां? यदि यथार्थ में तुमको पता चलता कि तुम भगवान के पास गए हो तो तत्क्षण तुम्हारा जो कुछ जलने का है वह जल जाता एवं जो कुछ पिघलने का है वह पिघल जाता अर्थात आवरण नष्ट होता। भगवान के पास जाने से क्या अहम भाव रहता है? तब देखा जाता है कि एकमात्र वही है, तुम्हारा अहम उनका ही है, तब यह प्रकाश होता है। और तुमने कहा दर्शन करके कोई फल नहीं मिला, यह बात भी ठीक नहीं। कुछ नहीं मिला कहकर जिस व्याकुलता एवं अतृप्त भाव का अनुभव कर रहे हो वही उसका फल है। तृप्त होने के लिए पहले उनके लिए अतृप्त होना पड़ता है। यह अतृप्त भाव एवं व्याकुलता जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रकाश निकटवर्ती होता जाएगा। प्रश्न करता, मां क्या साधन भजन से कुछ नहीं होता? मां सच बात है, साधन भजन से कुछ नहीं होता। भगवान तो सर्वदा ही प्रकाशमान है, तुम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हो, वह तो केवल तुम्हारे आवरण के कारण। इस आवरण को नष्ट करने के लिए साधना का प्रयोजन है,
इसलिए नाम जप ध्यान सत्संग लेकर रहना पड़ता है। प्रश्न करता, मां भगवत लक्ष्य पर चलते हुए लोग मार्ग में रुक क्यों जाते हैं? मां उनका ऋण है, इसलिए उसने इस जन्म में या जन्मांतर में जिन विषयों में अपना मन दिया अर्थात भोग की कामना की थी, वही विषय आकर आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, उनके मन को विषयों के पथ पर खींच ले जाते हैं, यही उसके ऋण है। इस ऋण को चुकाए बिना भगवान की ओर कैसे बढ़ोगे? यह कामना वासना ही आवरण है, इसको बिना हटाए उनका प्रकाश कैसे होगा? इसलिए सर्वावस्था में केवल उनको ही स्मरण करना। इस प्रकार करते करते एक दिन आवरण नष्ट होकर उनका प्रकाश होगा। प्रश्न करता, मां मंत्र जप संख्या की गणना क्यों करना चाहिए? मां संख्या की गणना करके जप करना अच्छा है, कारण कौन बता सकता है कि कितनी संख्या पूर्ण होने पर उनकी कृपा का अनुभव होगा? पर अगर किसी का ऐसा हो कि मन ही मन जपते जपते उनका ध्यान जम गया, उसके लिए संख्या की गणना करने की जरूरत नहीं। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई मन में जप करने बैठा और नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। इसलिए साधारण तौर पर हाथ में माला लेकर जप करना चाहिए और उसकी संख्या का हिसाब रखना चाहिए। प्रश्न करता, मां ध्यान करने पर जप में बाधा पड़ती है? मां पहले अपने इष्ट मूर्ति का ध्यान करते हुए जप आरंभ करने पर अंत में वह जो जप के अक्षरों की मूर्ति है उसमें मन जब एकाग्र हो गया तब ध्यान तो हो ही गया। जप करते करते ही मन एकाग्र हो जाता है, मंत्र के अक्षर में ही मन रखने की चेष्टा आवश्यक है। प्रश्न करता, मां अजपा जप किसे कहते हैं? मां अजपा जप उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। प्रश्न करता, मां उसके होने के लिए कौन सा उपाय करूं? मां तुम सिर्फ नाम करते जाना और स्मरण करते रहना, नाम से ही जो होना है अपने आप हो जाता है। रामकृष्ण मिशन के दो ब्रह्मचारी मां का दर्शन करने के लिए आए। इन लोगों ने कहा, आपके निकट हम आए हैं, आप आशीर्वाद दें, इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। मां हां कठिन तो है ही, पर उनका आशीर्वाद सर्वदा है, स्मरण रखना। जिसमें जितनी शक्ति हो सप्ताह में एक दिन, अगर ना हो सके तो महीने या 15 दिन में एक दिन संयमित रूप से रहने की चेष्टा करो। खाना पानी बोलना चलना घूमना फिरना एवं लोभ मोह काम क्रोध सभी ओर संयम बरतना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।